चंपानगर रांची निवासी रुचि भावसार हुंदे गले से बोली, मेरे पापा बच सकते थे, उनके सीने में हल्का दर्द था। बिना देर किए तुरंत अस्पताल लेकर गए। स्ट्रेचर पर पड़े पड़े वो दर्द से छटपटाते रहे और कोई डॉक्टर तक नहीं पहुंचा। लगभग एक घंटे के बाद एक डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची चुंगिंग में वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले राजेश उर्फ राजू भावसार को दुकान में बैठे बैठे सीने में दर्द उठा। पड़ोसी दुकानदार उन्हें बाइक पर बिठाकर रांची अस्पताल पहुंचाए, जहां पता चला कि वहां कोई डॉक्टर है ही नहीं। दुकानदार रईस खान के मुताबिक अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि मरीज को स्ट्रेचर पर लिटा दो, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। एक घंटे तक डॉक्टर के आने का इंतजार होता रहा। समय पर इलाज न मिलने से राजू ने दम तोड़ दिया। वहीं काफी इंतजार के बाद एक दंत चिकित्सक पहुंचे और उनको मृत घोषित कर दिया। तब तक राजू की पत्नी, बेटी और अन्य परिजन भी पहुंच चुके थे। इलाज में लापरवाही पर परिजन भड़क गए। हालात बिगड़ने की खबर पाकर रांची TI विजय सिंह परस्ते दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे। रांची निवासी दामोदर सोनी ने बताया कि राजेश को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामदास यादव ने आरोप लगाया कि रांची सिविल अस्पताल खुल तो गया है, लेकिन यहां विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है। रांची अस्पताल में OPD के बाद रात 9 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं मिलता। किसी मरीज के पहुंचने पर बुलाया जाता है। यह अस्पताल रेफरल इकाई बनकर रह गया है। लगभग 5 लाख की आबादी और फैक्ट्री संस्थान में काम करने वाले लोग इस अस्पताल पर निर्भर हैं। अस्पताल प्रबंधन का ये दावा है कि यहाँ 2 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। कोविड में तैनात 1 डॉक्टर को हटा दिया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टर की OPD के समय ड्यूटी लगाते हैं। डॉक्टरों की मांग की गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे यहाँ ये रांची अस्पताल है, हम अभी आए यहाँ पे तो मेरे पापा ऐसे कैसे लेटे थे यहाँ पे, किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने अभी भी नहीं किया, कैसे देखिए आप वीडियो दिखाइए ना वहाँ पे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि 2 डॉक्टर ने रिजाइन दे दिया है यहाँ पे, और जिसकी सूचना हम उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं और चिकित्सकों की भी मांग की है। और जो डेथ हुई है उसकी, उसको जब मैंने देखा तो उस समय मृत अवस्था में पाया गया, तो मैंने डेथ को डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे रांची अस्पताल चूँकि एक बड़े क्षेत्र का अस्पताल है, और पहले यहाँ पे चिकित्सक हुआ करते, मतलब जो चिकित्सक थे उसमें 2 चिकित्सकों द्वारा रिजाइन देने के कारण चिकित्सकों की कमी हो गई, और एक चिकित्सक, अन्य चिकित्सक थे जो कोविड में पदस्थ थे, वो उनकी भी पदस्थापना यहाँ से हटा दी गई।